अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट है, वो इसलिए कि आज हम एक मेकअप स्पंज ट्राई कर रहे हैं और वो काफ़ी डिफरेंट टाइप का है। मेरे ख्याल से मैं कोई नई चीज़ आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो स्पंज मैं आपको दिखा रही हूँ ये काफ़ी अरसे से यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है, लेकिन मैंने आज तक अभी तक टेस्ट नहीं किया था। तो मैंने कहा क्यों ना आपको दिखाया जाए लाइव रिजल्ट उसका, के किस तरह वो देता है और वाकई उस वो अच्छा काम करता भी है या नहीं, क्योंकि काफ़ी उटपटांग किस्म के स्पंज और तरीकेकार आजकल हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो जिसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ वो सस्ता भी है, और लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको पसंद आया तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सस्ता है ये। दिखाती हूँ मैं आपको, वो है ये सिलिकॉन स्पंज। अच्छा, आइडिया जो इस सिलिकॉन स्पंज का आया है, ये जो है इस तरह के सिलिकॉन्स जो हैं आपकी ब्रा के अंदर होते हैं, और जिस तरह के मैंने आपको कहा कि ऊट पटांग आइडिया आजकल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन इसके बारे में मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है इससे अप्लाई करने में। तो जिसने भी जाँच किया है पता नहीं क्या सोच के किया होगा, लेकिन सुना है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी दिखाऊं कि एक सस्ता स्पंज, क्योंकि जो नॉर्मल स्पंज से है उससे सस्ता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप उसको छोड़ के इसको ज़रूर लें और उसको भूल जाएं, नहीं, ये तो मैं खुद नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल ही नहीं है और कभी बंदा कहे कि हाँ कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, तो क्यों ना इसको भी ट्राई दी जाए। अब देखते हैं आगे, तो स्टार्ट करते हैं। इसके मैंने प्राइमर ऑलरेडी लगा लिया है, रिमेल का मैंने प्राइमर लगाया। अब जो फाउंडेशन मैं लगा रही हूँ वो है एला गर्ल का, इसके ऊपर ही डायरेक्ट लगाऊंगी, एक दो और तीन डॉट्स इस तरह करके। शीशा उठा लूँ मैं अपना, ट्राई करते हैं। अप्लाई हो रहा है और ब्लेंड भी सही तरीके से ही हो रहा है फिलहाल। इतना आसान भी नहीं है अप्लाई करना इसके साथ। दूसरी तरफ से करके देखते हैं, क्योंकि कोई वो नहीं है कि आपने इस तरफ से अप्लाई नहीं करना, इस तरफ से अप्लाई करना है। इसको जो है आपको काफी ब्लेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की मैं स्मूथ फिनिश मुझे अच्छी लगती है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि स्किन के अंदर जाके बैठ गया है फाउंडेशन, उस तरह की फिनिश के लिए मुझे ना इसको काफी ब्लेंड करना पड़ रहा है। काफी सॉफ्ट है, काफी मजे का वो है टच इसका, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। सॉफ्ट तो ब्यूटी ब्लेंडर भी होता है, लेकिन इसका डिफरेंट है थोड़ा। अप्लाई कर चुकी हूँ मैं अपनी स्किन पे, और थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा मुझे स्पंज जो नॉर्मल स्पंज होता है उसकी जगह इसके साथ, क्योंकि इसको काफी स्मूथ करना पड़ता है, काफी ब्लेंड करना पड़ता है, आसानी से नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा लाइटली ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही अजीब सी रफ फिनिश आएगी, ऐसे खुरदुरा सा पन आएगा अगर आप ज़्यादा अच्छे से नहीं करेंगे। कीमत देखते हुए मैं कहूँगी कि अपनी प्राइस के हिसाब से अच्छा है, बुरा मैं इसको नहीं कह सकती, क्योंकि आखिरकार करते करते उसने ब्लेंड कर ही दिया, बुरा नहीं है। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी छोटी सी मुन्नी सी, मैंने ट्राई किया मुन्नी सी वीडियो बनाने का, स्पंज सिलिकॉन स्पंज टेस्ट की। तो ये छोटी सी मुन्नी सी चीज़ जो है अपना काम करती है, लेकिन मेहनत मांगती है, और अंडर 100 रुपीज़ है तो भी अपनी कीमत के हिसाब से अच्छी है। और दूसरा ये कि अब हम यही चाहते हैं, ये कोई नई चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिन्होंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया हुआ उनको शायद आइडिया मिल जाएगा। हम यही चाहते हैं कि जब कोई नई चीज़ मार्केट में हम देखें तो उसको हम यूट्यूब पे उसका
आइडिया ले सकें, रिव्यूज़ ले सकें कि किस तरह की है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं इससे और किस तरह का रिजल्ट देती है, जो कि आपने मेरी वीडियो में देख लिया। तो मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो आउट ऑफ ज़ीरो नहीं, इसको मैं 10 में से 7 नंबर तो दूंगी, क्योंकि ये अपना काम करता है लेकिन थोड़ी सी आपकी मेहनत मांगता है। तो अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है और आप ले नहीं सकते तो आप इसको ट्राई ज़रूर दे सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह हैं कि आपने शौकीन हैं नई नई चीज़ें ट्राई करने की, तो भी आप इसको चांस दे सकते हैं, क्योंकि ये अपना काम करता है कम से कम। तो यहाँ ख़त्म होती है ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब तो आपने ज़रूर करना है। कमेंट्स करके बताएं कि आपने इसको पहले टेस्ट किया हुआ है, ये है आपकी क्या राय है इसके बारे में, और शेयर करें जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं किया, वो उनको आइडिया मिल जाएगा। बाय।